नंदनवन थाना क्षेत्र में फरियादी कलावंती यशवंत शिंदे नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीन कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरी की। आरोपी कुणाल अजय इंगड़े 19 वर्षीय निवासी कामगार नगर नारी रोड निवासी को पुलिस ने रिमांड में लेकर जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों नंदनवन थाना क्षेत्र में फिरियादी कलावंती यशवंत शेंडे नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीनकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस ने मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरी की। आरोपी कुणाल अजय इंगड़े 19 वर्षीय निवासी नारी रोड बताया जा रहा है। पोलीस स्टेशन मानकापूरच्या हद्दीमध्ये चेन स्नॅचिंगचे गुन्हा घडला। त्या गुन्ह्याच्या तपासात असताना डीबी पथकाने एक गोपनीय माहिती मिळाली की एक आणि फुटेजवरून आणि माहितीच्या आधारे आरोपी जो आहे एक आम्ही अटक केला। त्याचं नाव आहे आरोपी कुणाल अजय इंगडे, याचं वय 19 वर्ष आहे। हा राहणार कामगार नगर उर्दू शाळेच्या मागे कपिल नगरच्या हद्दीमधून राहणार आहे। आणि याच्यामध्ये आणखी सुद्धा याचे दोन साथीदार लकी आणि उस्मान, या दोन साथीदाराच्या मदतीने त्यांनी शहराच्या वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत गुन्हे केल्याचे त्यांनी कबुली दिली आहे। त्याच्यावरून 6 गुन्हे पोलीस स्टेशन मानकापूरचे 2, गिट्टी गजांचा 1, धंतोलीचा 1, सीताबर्डीचा 1 आणि एकडांचा 1 असे 6 गुन्ह्याची कबुली त्यांनी दिलेली आतापर्यंत। गौरतलब रहे कि नागपुर क्षेत्र में इन दिनों चेन स्नेचिंग के मामले लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरी है पुलिस को भी इन चोरों पर लगाम कसने की। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।